ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारे जीवन में सभी प्रकार का भौतिक सुख और प्रेम को प्रदान करने वाले ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 13 जुलाई 2022 को दिन में 11 बजे शुक्र वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मिथुन राशि में 7 अगस्त 2022 तक यानी अगले 23 दिनों की समयावधि तक शुक्र का मिथुन राशि में ही संचरण रहने वाला है। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैदिक ज्योतिष में शुक्र को एक शुभ ग्रह माना गया है और शुक्र लगभग 23 दिनों के उपरांत अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। शुक्र को सभी प्रकार का भौतिक सुख, काव्य कला, भौतिकता, वैवाहिक सुखों का, दौलत, शोहरत, सभी प्रकार का ऐशो आराम, सजावटी वस्त्र, चटपटा भोजन, वाहन, इन सब विषयों का कारक शुक्र को माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का ही प्रभाव होता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं और जन्म कुंडली पर यदि शुक्र शुभ हो तो शुक्र के शुभ प्रभाव से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र यदि बलि हो तो हर प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख प्रदान होता है। वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की संभावना देखने के लिए मिलती है। ऐसा जातक अपनी वाणी और व्यक्तित्व के द्वारा विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए काफी ज्यादा समर्थ होता है और जन्म कुंडली पर यदि बलि शुक्र हो तो जीवन में भौतिक सुखों का आनंद लेने के लिए जातक समर्थ रहता है। शुक्र बलि हो तो जातक को संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य यानी क्रिएटिव चीजों में बड़ी महारत हासिल हो सकती है। वहीं जन्म कुंडली पर शुक्र के अशुभ प्रभाव से परिवार से अलगाव का सामना करना पड़ता है, जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है, आर्थिक तंगी और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सेक्स से जुड़ा हुआ रोग देखने के लिए मिलता है। शुक्र यदि पीड़ित हो तो व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आ जाती है और पुरुष की जन्म कुंडली पर यदि शुक्र पीड़ित हो तो उसे पति पत्नी के बीच में हमेशा मतभेदों का सामना करना पड़ता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं और इनकी महादशा जो होती है दर्शकों, 20 वर्षों की होती है, यानी काफी लंबी समयावधि तक ये महादशा में आते हैं। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। धनु राशि वाले जातकों की यह चंद्र राशि के ऊपर या फलादेश आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र आपके राशि के छठे भाव के, जिससे रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है, और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, जिनका गोचर आपके राशि के सप्तम भाव में होने वाला है। राशि के सप्तम भाव से जीवन साथी, काम वासना के बारे में, डेली इनकम के बारे में, दैनिक व्यवसाय के बारे में विचार किया जाता है। वहीं राशि के सप्तम भाव से शत्रुओं के बारे में भी विचार करते हैं। इस भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है तो धनु राशि वाले जातकों के लिए कई प्रकार की संभावना बन रही है। सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों के लिए, यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की अनबन पूर्व के समय से बनी हुई थी तो देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में यह गोचर काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इन 23 दिनों की समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के साथ, पार्टनर के साथ आपके संबंध प्रसन्नता पूर्वक रहने वाले हैं और आपको मान सम्मान भी मिलेगा। शुक्र आपके राशि के सप्तम भाव में मौजूद होकर
आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं धनु राशि वाले जातकों के जीवन शैली में सुधार भी काफी ज्यादा आ सकता है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कार्य रुका हुआ था, उसके भी पूरे होने की संभावना बन रही है। व्यक्तिगत जीवन में धनु राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में सेहत के प्रति यदि किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी, उससे आपको निजात मिल सकती है। हालांकि धनु राशि वाले जातकों को चटपटा खाना या घरेलू भोज्य पदार्थों को छोड़कर बाहर के भोज्य पदार्थों को खाने से जरूर बचना चाहिए। इस समय अंतराल में धनु राशि के नौकरी पेशा जातकों के जीवन में अच्छे प्रदर्शन की संभावना बन रही है। वहीं इस समय अंतराल में धनु राशि के ऐसे जातक जो शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, जैसे यदि आप फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, होटल एवं ढाबे का संचालन करते हैं, जल से जुड़ा हुआ कार्य है, या धनु राशि के ऐसे जातक जो संगीत साहित्य गायन वादन नृत्य इन विधाओं में जुड़े हुए हैं, कपड़े की दुकान है, आर्किटेक्चर हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, कोरियोग्राफर हैं, या इस समय अवधि में धनु राशि के ऐसे जातक जो टूर और ट्रेवल का व्यापार करते हैं, उनके लिए संभावना श्रेष्ठ से बेहतर बनती हुई रहेगी। इस समय अवधि में धनु राशि वाले जातकों को पार्टनरशिप में जो जातक व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए संभावना अच्छी बनी हुई रहने वाली है। धनु राशि वाले जातकों के अंदर क्रिएटिविटी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये तो रहा धनु राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र के गोचर का प्रभाव। अब यदि आपकी जन्म कुंडली पर शुक्र खराब स्थितियों में मौजूद हैं, तो कुछ विशेष और धार्मिक उपाय जरूर करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप शाम के समय मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के उपरांत श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो किसी प्रकार की संभावना यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी या वैवाहिक जीवन को लेकर है, उससे आपको निजात जरूर मिलेगी। धनु राशि वाले जातकों को जीवन में शुक्र को मजबूत करने के लिए ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर में जो आपका किचन है और जो आपका बेडरूम है, वो कभी खराब ना होने पाए, और विशेष रूप से माताओं और बहनों का सम्मान करना चाहिए। शुक्र से संबंधित शुभता को अर्जित करने के लिए शुक्रवार के दिन यदि आप दही, शक्कर, सफेद ग्लूकोज, चावल या सफेद वस्त्र का दान शुक्र की होरा में करते हैं, तो भी संभावना आपके लिए बेहतर रहेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।